तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे हो। और गाइस, अच्छे ही रहना, अभी बहुत बुरा टाइम चल रहा है। फिलहाल आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और हम लोग का वीडियो देखते रहिए एंटरटेन होने के लिए, टाइम पास करने के लिए। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। गाइस, आप तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल पढ़ के तो समझ ही गए होंगे इस वीडियो में क्या होने वाला है। हाँ गाइस, इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आपका जो आईडी बैन हो गया उसको अनबैन कैसे करेंगे आप। बहुत इजी ट्रिक है, जस्ट कुछ सिंपली चीज़ फॉलो करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस देखिए, आप सोचें, आप अनबैन के बारे में सुनने के बाद ही आप निकल जाएंगे, ठीक है? क्योंकि आप सोचेंगे हैक करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं गाइस, रुक जाइए, मत निकलिए गाइस। हैक कुछ नहीं, कोई रूट नहीं, कुछ नहीं करना है, जस्ट गरीना का लीगल स्टेप है। जस्ट लीगली गरीना को जस्ट आपको मतलब जस्ट गरीना को आप बोलेंगे, गरीना आपका अकाउंट खोल देगा। मैं खुद मेरा भाई का आईडी खोला हूँ, वो खोल लिया है। गरीना को जीमेल भेजते हैं, सिर्फ सॉरी गाइस, एक ही प्रॉब्लम है, वो मेरा भाई जीमेल चेक किया था क्योंकि उसका फ़ोन में आया था जीमेल, तो जीमेल आप लोगों को नहीं दिखा पा रहे गाइस, लेकिन पूरा वीडियो पूरा प्रोसीडियर आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, ज़्यादा लेट ना करके वीडियो स्टार्ट करेंगे। और गाइस, हम लोग आप लोग हमें तो बहुत बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गाइस और थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए हम लोग। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम लोग मोटिवेट होते हैं, अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। और गाइस, अच्छा तो लगता ही चाहे, और अगर आप 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए, अगर सोचिए हम लोग का 1K सब्सक्राइबर हो गया, तो हम लोग हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने, हर दिन हम लोग गिव अवे करेंगे। आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना और जीत के आना, बहुत कुछ अच्छा अच्छा चीज़ मिलेगा गिव अवे में, आप लोग जीत के आना। तो गाइस, इसलिए 1K जल्दी जल्दी कर दीजिए, और कुछ मतलब कुछ दिनों के अंदर हम लोग एक तो गिव अवे भी करेंगे, तो वो गिव अवे में जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट। सबसे आगे पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को ऑल पे डाल देना गाइस, जिससे हमें हम लोग जो भी गिव अवे करने वाले रहेंगे उसके आगे या पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो सके। तो गाइस, ज़्यादा देर ना करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं फ्री फायर का लॉगिन पेज के अंदर। यहाँ मैं सिंपली मेरा भाई का जो बैन आईडी है वो मैं खोल लूँगा। तो चलिए, बैन आईडी खुल गया है, तो आपको स्क्रीन पे जस्ट टैप करना है। फिर देखिए, कंफर्म आ रहा है देयर आर एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ विथ योर अकाउंट, इट हैज़ बीन सस्पेंडेड। आपका अकाउंट के साथ कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हुआ तो ये सस्पेंड हो गया। आप कंफर्म जितना बार करें, नहीं होगा। इसका होने का एक तो सिंपली और लीगल स्टेप है, तो लीगल तरीका जो है उसके लिए आपको स्क्रीन में जस्ट टैप करना है। तो मैं स्क्रीन में टैप कर लेता हूँ। फिर देखिए, कंफर्म आप मत दाबना, देखिए मैं दाब के दिखाता हूँ, नहीं होगा। टैप करने के बाद हेल्प में दाबना है, कंफर्म के बगल में जो हेल्प है उसमें टैप करना है। जस्ट हेल्प में टैप करेंगे, टैप करने के बाद एक ठो गरीना का ऑफिशियल पेज खुल जाएगा। फिर थोड़ा स्क्रोल करना है, यहाँ आप गरीना को कुछ भी रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए क्लैश स्क्वाड रैंक जो बैन हो गया था, ये क्लैश स्क्वाड रैंक के बारे में रिपोर्ट, फिर एंटी हैक के बारे में रिपोर्ट, ठीक है? तो क्लैश स्क्वाड रैंक सब के बारे में आप बता सकते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद देखिए, अपीलिंग अब बैन में दाबने, बट आपको दिखाता हूँ अकाउंट लॉस में मैं दाबता हूँ। अकाउंट लॉस में टैप करने के बाद देखिए, आप यहाँ लॉस्ट गेस्ट अकाउंट, FBI अकाउंट आप वापस ला सकते हो। और APL अकाउंट बैन में दाबेंगे तो नहीं होगा। APLing बैन मतलब बैन अपना आईडी में लगाना, बट APLing बैन से ही होगा। अकाउंट बैन में मैं दाब के दिखाता हूँ, देखिए यहाँ दिखाएगा कि आपका आईडी मतलब परमानेंटली बैन हो गया या कुछ दिनों के लिए बैन हुआ है। तो मेरा आईडी देखिए परमानेंटली बैन हो गया, इसको मैं खोल के दिखाऊँगा। तो गाइस, मैं तो वापस नहीं जा सकता, सिंपली काट दूँगा। तो गाइस, अकाउंट बैन से तो नहीं होता, सिंपली मैं काट देता हूँ। अरे यार, कहाँ, ओ नहीं होगा, चलो। फिर देखिए, हेल्प में दबाता हूँ, फिर स्क्रोल करता हूँ। फिर देखिए, APLing बैन में, अकाउंट बैन के नीचे APLing बैन में दाब। फिर देखिए, ये आपको दिखा रहा था, इसको आपको ठीक करना है। तो यहाँ आई अंडरस्टैंड के ऊपर ब्लू कलर का ये APLing बैन है, उसमें दाबो।
फिर आपका ईमेल एड्रेस दो, जो भी ईमेल एड्रेस है मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है आप दीजिए। फिर आपका सर्वर दीजिए, फिर मैं तो इंडिया का तो इंडिया है, फिर यहाँ चेकबॉक्स में टिक दीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन दीजिए आप क्यों आपका आईडी हैक मतलब बैन हो गया था और क्यों आप खोलना चाहते हो। तो गाइस यहाँ आपका उस गेम का आईडी देना है, यहाँ गेम का आईडी दीजिए, ठीक उसके नीचे ही आपको गाइस, अरे यार क्या खोल रहा मैं, गेम का आईडी देने के बाद फिर उसके नीचे ही गेम का जो नेम है वो खोल दीजिएगा आप। गेम में आपका जो नेम है वो एक वेबसाइट से चेक किया जा सकता है। फिर नीचे कैरेक्टर, आपका जो कैरेक्टर लेके खेलते हैं उसका लेवल कितना है, गरीना क्या क्या क्वेश्चन पूछता है उसका लेवल कितना, जस्ट वो आपको देना है। यार क्या डाब रहा हूँ मैं, काटो। तो गाइस यहाँ लेवल दे दीजिएगा कितना लेवल का है, फिर व्हेन वाज योर अकाउंट क्रिएटेड, कब आपका आईडी क्रिएट हुआ था, ये अकाउंट कब क्रिएट हुआ था वो दे देना है, मंथ और ईयर ही रिसीव देना है। फिर आप क्या गिल्ड, अभी गिल्ड में हो कोई भी गिल्ड में तो यहाँ देना है। फिर डायमंड कितना है और गोल्ड कितना है ये देना है। फिर क्या रिसेंटली आप टॉप अप किए हैं ये आईडी में, गाइस बता रहा हूँ 6 महीने के अंदर आप कोशिश करें तो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। गाइस आपका आईडी 1 मंथ में आप कोशिश करें तो ज़रूर खुलेगा, और अगर 6 मंथ के अंदर कर बाहर कर रहे तो नहीं खुलेगा। फिर देखिए यहाँ कुछ बता रहा है कि आपका परमिशन के बिना कोई खुला है क्या, मतलब हैक किया है क्या, आप क्या थर्ड पार्टी ऐप से खोलते हैं कोई। फिर स्क्रीनशॉट और बैन में टिक करना, फिर ऐड फाइल में दाब के उस बैन का स्क्रीनशॉट डाल देना, फिर सबमिट में दाबना, फिर वेरिफिकेशन होगा। मेरा क्रॉसवर्क मांगा है, आपका कुछ भी मांग सकता है, तो मैं क्रॉसवर्क दे देता हूँ। देखिए मेरा वेरीफाई हो रहा है, चलिए वेरीफाई हो गया। देखिए यहाँ मेरा ये सब ईमेल एड्रेस नहीं दिया था इसलिए मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, आपको सिंपली ये करना है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको 1 महीना तक वेट करना पड़ेगा, गरीना आपको एक तो जीमेल भेजेगा तो खुल जाएगा, नहीं भेजेगा तो नहीं खुलेगा। गरीना अगर जीमेल भेजा, उस जीमेल में आपको जस्ट टैप करना, एक तो लिंक मिलेगा, वो तो लिंक में टैप करने के आपको एक तो गरीना का और एक तो पेज के अंदर लेके जाएगा। उस पेज के अंदर आपको जाके जस्ट आपको गरीना को बताना पड़ेगा सॉरी दैट्स वाई आई विल हैक इट, और आपका 24 घंटे का आपका जो आईडी है वो खुल जाएगा। लोग आज का वीडियो इतना तक ही था, सो जो बंदे नए आए हैं प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। गाइस बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना तक ही।